हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पो ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, आप चाहते हैं खुद का कस्टम थंबनेल लगाना, लेकिन शायद आप लगा नहीं पा रहे हैं या आपके मोबाइल में ये ऑप्शन आता ही नहीं है, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊँगा आप भी अपनी शॉर्ट वीडियो पर किस तरह से थंबनेल लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपने सबसे पहले करना क्या है, जब भी आप वीडियो अपलोड करें, वीडियो अपलोड करते टाइम ही ये सेटिंग आपको करनी है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपने अपनी YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहां से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्रिएट ए शॉर्ट पे क्लिक करना है। यहां से जाने के बाद आपको वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली यहां से वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दे देना है अपनी वीडियो का टाइटल। उसके बाद यहाँ पे हैशटैग में शॉर्ट्स जरूर लिखेगा, इसको भूलिएगा मत। उसके बाद आपने करना क्या है, नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है विजिबिलिटी का, इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अनलिस्टेड। जी हाँ दोस्तों, इतना करने के बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है और इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है। इसके बाद आपने ओपन कर लेना है YT स्टूडियो एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है कंटेंट वाले आइकन पे। वहाँ पे जाने के बाद शॉर्ट्स में क्लिक कर देना है, वहाँ से आपको जो अभी अभी आपने वीडियो अपलोड की है वो आपको ओपन हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपने पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा एडिट करने का। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको फिर से विजिबिलिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस बार पब्लिक के नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा सेट एज प्रीमियर, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद वापस से आपने सेव कर देना है और बाहर आ जाना है। अब दोस्तों, वापस से आपने करना क्या है, फिर से पेंसिल वाले आइकन पे ऊपर क्लिक करना है, और अब देखिए आपके पास लेफ्ट साइड में फिर से पेंसिल वाला आइकन आ गया है। यहाँ पे आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। कस्टम थंबनेल पे नीचे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आपने कस्टम थंबनेल बनाया हो उसको सिंपली अपलोड कर दीजिए और वापस से सेव कर दीजिए। इस तरह से आप शॉर्ट वीडियो पर भी किसी भी तरह से थंबनेल को लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो प्रीमियर को सेट कर रखा है उसको आप वापस से चेंज कर सकते हैं, या तो अनलिस्ट कर दें, या जब भी आप पब्लिक करना चाहें उसको पब्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप शॉर्ट वीडियो पर भी थंबनेल लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, देखते रहिए कॉम्पो ट्रिक्स।